हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द माइटी गन में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं, बेबी अगर यूरिन पास करते समय बहुत ज़ोर से रोता है तो क्या आप समझे किस तरीके की इसको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, अगर बच्चा यूरिन पास करते करने से कुछ सेकंड पहले एकदम ज़ोर से चीख मार के रोता है तो इट मीन्स उसके जो बाथरूम में है बहुत ज़ोर से उसको जलन होती है, जो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता और बोल वो सकता नहीं है तो रो देता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, किस तरीके से आप बच्चे की, जो छोटे बच्चे होते हैं 3-4 महीने के, जो ऊपर का तो कुछ खाते नहीं है, सिर्फ माँ के दूध पर ही वो डिपेंड रहते हैं, तो ऐसे में उनकी प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट आप कर सकते हैं। देखिए, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनको हम 6 महीने तक पानी भी नहीं देते, ना देना होता है, क्योंकि माँ का दूध ही 80% उसमें पानी की मात्रा होती है। तो बच्चे को सारी की सारी रिक्वायरमेंट मदर की, जो मिल्क दूध होता है माँ का, उसी से पूरी हो जाती है, बेबी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है। तो ऐसे में आपने करना ये है, अपना दूध उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएँ, अच्छे से पिलाएँ, ताकि उसके शरीर में पानी की कमी ना हो, क्योंकि पानी हमने देना नहीं है, आपके दूध से ही वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा। सो अपना दूध उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, ताकि उसके शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो, और उसका जो ब्लडर है वो बिल्कुल साफ रहेगा। होता ये है, जब बच्चा पानी की मात्रा, पानी के शरीर में कम हो जाती है तो यूरिन में जो जहाँ पर ब्लैडर ब्लड पेशाब इकट्ठा होता है, यूरिन इकट्ठा होता है, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण से बाथरूम में जलन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहला तो आपने अपने बच्चे को अच्छे से दूध पिलाना, पेट भर भर के उसको दूध पिलाए, ताकि उसका खूब सारा बाथरूम आए, ब्लैडर में इन्फेक्शन का खतरा ना हो। तो ये तो आपके बच्चे की जलन को दूर करेगा। दूसरा, जब आपका बच्चा यूरिन पास कर ले तो उसको अच्छे से एक साफ कॉटन के कपड़े से गीला करके पानी से उसको, उस प्राइवेट पार्ट को उसके ज़रूर क्लीन करें, क्योंकि बाथरूम के ड्रॉप्स वहाँ पर रह जाते हैं तो उससे इन्फेक्शन का खतरा होता है। हर बार जब भी आपका बेबी बाथरूम करता है उसको गीले कपड़े से साफ़ करके दोबारा उसको सुखा करके पंखे की हवा में फिर से उसको नैपी पहनाएं। ऐसा ना करें, गीले में पड़ा है और गीले में पड़े रहने के बाद आपने वही गंदा नैपी या ऐसा कुछ पहना दिया, इससे बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके बेबी को यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा और वो अच्छे से मतलब ग्रोथ उसकी सही होगी और वो रोएगा भी नहीं। उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।